नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मनीषा कौशिक। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु फंग शुई कंसल्टेंट, और मैं आपसे आपके सपनों के बारे में बात करती हूँ। तो ये वही टॉपिक्स हैं जो आप लगातार हमें ईमेल पर, फ़ोन पर बताते रहते हैं, या प्रॉबेबली हमारे यूट्यूब पर या फेसबुक पर हमें मैसेजेस लिखते हैं कि आपने इस सपने के बारे में देखा और इसका मतलब क्या होगा। सबको एक एक कर जवाब देना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कोशिश करती हूँ कि जब एक ही टॉपिक के काफ़ी सारे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं तो उन टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाए। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है सपने में खुद को जीतते हुए देखना, विनिंग इन योर ड्रीम्स। जीतना किसे पसंद नहीं है, या कहिए किसे अच्छा नहीं लगता। एक जो खुशी है ना, वो एक्चुअली अनएक्सप्लेनेबल है, उसे एक्सप्लेन नहीं किया जाता जब हम जीतते हैं। और स्पेशली जब जीत के साथ साथ कोई अवार्ड, कोई मेडल जो है या सर्टिफिकेट मिल जाए, तो वैसे भी वो जीत जो है वो दुगनी तीन गुनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम एक एक मोमेंट जो है कि जब हम स्टेज पर खड़े होकर हमें उस जीत से सम्मानित किया गया, वो तो शायद कुछ पल की होगी, लेकिन जब आप उनकी फोटोग्राफ्स देखें या उन अवार्ड्स को, उन मेडल्स को, उन सर्टिफिकेट्स को देखें, तो वही मोमेंट्स को रीलिव करना, यानी कि उन मोमेंट्स को दोबारा जो है उस उन क्षणों को दोबारा महसूस करना में करने में बहुत मज़ा आता है। तो उसी तरीके से तो हम आज उसी सपने के बारे में बात करेंगे जब आप खुद को सपने में जीतता हुआ, यानी कि विजेता जो है डिक्लेयर होता हुआ देखते हैं, तो इन सपनों का मतलब क्या होता है। यूजुअली ऐसे सपने तब आते हैं जब हमें यूनिवर्स एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हो कि आपने अगर ऑफ लेट या कुछ समय में छोटी छोटी अचीवमेंट्स हुई हैं, लेकिन हमें उन्हें पर्सनली रियलाइज़ करने का मौका नहीं मिला, तब भी सपने में ऐसी चीज़ आती है कि आप अपने आप के साथ समय बिताइए, आपने सच में काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में अचीव किए हैं, उन अचीवमेंट्स की ओर देखिए। खासकर कि कई बार ऐसा समय आता है जब हम इतना कुछ अचीव कर रहे हों, अचानक से आपने देखा होगा कुछ लोगों के अंदर एक अनएक्सप्लेन्ड मायूसी सी रहती है कि हम उन्हें याद कराना पड़ता है कि आपने देखिए कितनी मेहनत की है, जो आपने अचीव किया है वो और आसपास वाले नहीं अचीव कर पाए। तो कई बार जब ऐसे लोग जो हैं वो ऐसे शब्द आपको ना कह पाएँ, तो यूनिवर्स आपको ये समझाने में आपकी मदद करता है। कैसे? जब ऐसे सपने आने शुरू होते हैं। खासकर अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो ऐसे सपने जब आप खुद को स्माइलिंग देखें, कोई अवार्ड जीतता हुआ देखें, या कोई प्राइज़ मनी मिलते हुए देखें, तो ये बहुत ही अच्छे सिंबल्स, सिग्नल्स माने जाते हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी दशाएं आपको फेवर कर रही हैं और आप जो है वो आगे आने वाले समय में कुछ अचीव कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी अचीव किया है, सिर्फ उसे रियलाइज़ करने का, सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिला आपको। चलिए पहला सवाल जो है वो शामिल करते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्राइज़ मनी, ट्रॉफी या मनी अगर मिलते हुए नज़र आ रही है, तो इसका मतलब क्या है। जैसा मैंने कहा, जब हमें कोई चीज़ मिली हो लेकिन हमने उसे अभी तक रियलाइज़ या सेलिब्रेट नहीं किया हो, तब ऐसे सपने आते हैं। या फिर अगर आपको लगे कि आपका नाम अनाउंस किया गया है और आपको ये अवार्ड दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कई बार आपके आने वाले प्रमोशन या इंक्रीमेंट के भी इशारे कर रहा होता है। दूसरा सवाल शामिल करते हैं, खासकर ये सवाल जो है वो जो लोग बाहर रहते हैं, या जिन्हें हॉर्स रेसिंग का या हॉर्स रेसिंग में बेटिंग का बहुत शौक होता है, तो ऐसे सपने उन्हें आते हैं कि आप जो है वो हॉर्स रेस में विजेता जो है वो आप डिक्लेयर किए गए हैं, प्राइज़ मनी मिली है, तो ये भी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। यूजुअली ऐसी जो सिग्नल्स हैं वो उन लोगों के लिए होते हैं जो बिजनेस, अपना बिजनेस करते हों, यानी कि वहाँ पे प्रॉफिट्स का समय नज़र आता है, कोई गेन अचानक से आ सकता है, या कोई कोलैबोरेशन, या कोई आप जवाब किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो जब आपको वो मिलता हुआ नज़र आए, तो ये भी उन आने वाले समय के संकेत के बारे में बात करता है। लॉटरी अगर आपने जीतते हुए खुद को पाया, तो एक्चुअली अब इसके दो मतलब हैं। लॉटरी जीतना, वैसे अचानक जो है वो धन लाभ के योग जो है वो बनते हुए नज़र आते हैं। अब ये अगर आप ऑलरेडी लॉटरीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, आप ख़रीदते रहते हैं और आपको ये सपना आता है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर के बारे में बात कर रहा है कि आप ख़रीदते हैं तो आप चाहते हैं कि आप लॉटरी जीत भी जाएं। लेकिन अगर ऐसा काम नहीं करते, ना कोई हमारा कनेक्ट है, ना हमें इंटरेस्ट है, और अचानक से सपने में आए कि आपने कोई लॉटरी जीती है, तो ये आपके आने वाले समय में फाइनेंशियल गेन्स को दर्शाता है। अगर फाइनेंशियली दिक्कत चल भी रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से पैसे का इंतज़ाम होगा, भले वो कोई लोन के रूप में अगर आपने अप्लाई किया है तो वो मिल जाए,
या प्रॉबेबली किसी को कभी कर्ज दिया था वो लौट आ जाए, या आपकी कोई वैसे आगे बढ़कर आपकी मदद करना चाहे, ये भी मुमकिन है। तो इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ ये लॉटरी वाला सपना है और ये पॉजिटिव संकेत देता है, आपकी फाइनेंशियल पोजिशन को इम्प्रूव करने का सिग्नल देता है। अगर कोई आपको नज़र आता है कि आपने कोई क्विज कंपटीशन या टीवी पे कोई प्रोग्राम था या कॉन्टेस्ट था, आपने कोई ऐसी चीज़ को जीता है, तो ये यूजुअली चेंज इन ऑक्यूपेशन रिप्रेजेंट करता है, आपके काम में, आपके प्रोफेशन में चेंज ऑफ लाइन भी रिप्रेजेंट करता है, या तो डिपार्टमेंट बदल जाए या जो काम कर रहे थे उससे हट के कुछ और काम शुरू कर सकते हैं या कोई नया काम मिल भी सकता है। उसके साथ साथ अब मान लीजिए कि आपने खुद को एक क्राउन जीतते हुए आपने महसूस किया कि आपने सपना देखा कि मुझे जो है वो एक ताज पहनाया गया है या कोई ज्वेलरी गिफ्ट में मिली है, प्राइज़ में मिली है, तो ये भी अच्छा संकेत है। अब मान लीजिए कि आप ऑलरेडी मॉडलिंग के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, यू आर एन एस्पायरिंग मॉडल, तो ऐसे सपने आने स्वाभाविक हैं क्योंकि वो भी आपकी हिडन डिज़ायर है, आप वो क्राउन जीतना चाहती हैं। पर अगर ऐसा ताल्लुक नहीं है, स्पेशली अगर आप एक मेल हैं और आपको ऐसा सपना आता है कि आपको इतने सारे ऑडियंस के सामने कोई चीज़ प्रेजेंट की गई है, भले वो ताज है या कोई चीज़ है, तो ये आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी दिखाता है, आपके स्टेटस में एलिवेशन दिखाता है। अगर मान लीजिए कि जो वो स्क्रैच कार्ड्स आते हैं, अब वो आजकल तो डिजिटल भी आते हैं, जैसे कि गूगल पे या पेटीएम पे आप देखते हैं कि जैसे ही आप कोई पेमेंट करते हैं तो आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलता है और उसे हम बड़ी खुशी से रब करने की कोशिश करते हैं, या ये कहिए कि वो पहले के ज़माने में जब हम कहीं से सामान लिया करते थे तो हमें एक लॉटरी की टिकट की तरह कुछ दिया जाता था जिसे हम अपने एक रुपये के सिक्के से रब किया करते थे देखने के लिए कि इसमें से क्या निकलेगा। तो ये ऐसे जब स्क्रैच कार्ड्स जब मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक नई एक्वेंटेंस की ओर इशारा करते हैं, यानी कि किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है या नया काम कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे कि बेनिफिट होना शुरू हो। तो किस्मत पर अगर छोड़ा है तो किस्मत आपका साथ दे रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैसीनो में अगर खुद को जीतते हुए देखें तो कैसा है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आएंगी आपके लिए। अगर आप स्पेशली पीआर आपने अप्लाई की है और आपको कैसीनो से जुड़े हुए सपने आ रहे हैं, इसका मतलब लक फेवर करेगा, आपके बंद दरवाजे खुलने शुरू होंगे, बंद रास्ते खुलने शुरू होंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको पेशेंस रख के चलनी है। नोबेल प्राइज़ या प्रेस्टीजियस अवार्ड अगर आपको मिले, स्पेशली वो लोग जो किसी नेशनल लेवल पर अवार्ड लेना चाहते हैं या किसी के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसे सपने जो हैं वो यूजुअली आपकी स्किल सेट, आपके टैलेंट, या ये कहिए कि आप दुनिया को कुछ ऐसा मास्टरपीस देना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके बाद भी, यानी इस दुनिया से जाने के बाद भी दुनिया आपको याद करे, तो ये एक जो एम है वो आपका फुलफ़िल होगा। और ख़ासकर जब हम किसी ऐसी एम के लिए हम एस्पायर कर रहे हों या हम काम कर रहे हों, मेहनत कर रहे हों, तो तब ऐसे सपने आना दोनों चीज़ें दर्शाता है कि या तो ये काम हो जाएगा या फिर आपकी अर्ज, आपकी डिज़ायर। अब जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ और आई एम श्योर आपको अब तक याद भी हो गया होगा कि ड्रीम्स के वीडियो में सबसे बड़ा उसको डिकोड करने का जो फैक्टर है वो ये कि आपका अपना भाव कैसा है, आप उस सपने को देखते हुए कैसा महसूस कर रहे थे, परेशान महसूस कर रहे थे, एंग्शियस महसूस कर रहे थे, तो आपकी हिडन फियर्स, एंग्जाइटीज़, इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात करता है। वहीं अगर आप खुश नज़र आ रहे थे, भले ही सपने में सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, कितनी भी परेशानीजनक क्यों ना हो, लेकिन आपने बहुत आराम से ये सपना देखा और सुबह उठ के भी आप बहुत आराम से अपना दिन शुरू किया, तो ये एक अच्छा संकेत है कि आप अंदर से बहुत बैलेंस्ड हैं और पीसफुल महसूस करते हैं। तो इसलिए आपने जब भी सपना देखा तो आपने सपने में क्या जीता मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, या क्या जीतने की चाह रखी, और ख़ासकर आपके सपने में कौन था जिसने आपको अवार्ड दिया, कोई जाना पहचाना शख्स था या कोई बड़े लेवल का आदमी था, तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं जब भी हम आपके सपनों को डिकोड करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने अभी तक टच नहीं किया है उसके बारे में भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आगे आने वाले समय में उन टॉपिक्स को भी ज़रूर शामिल करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और स्पेशली किसी शख्स को घर में बहुत सारे सपने आते हैं तो उनके साथ हमारा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, शायद और कंटेंट आ जाए आपसे बात करने के लिए। सी यू सून विद अनदर वीडियो।